ये है Redmi Note 10 Pro, ये है Redmi 12 5G। अगर आप इंडिया में Redmi 12 5G के अंदर ये वाले सुपर जो विजिट्स हैं हाइपर ओएस के, या फिर ये सुपर जो एनिमल पेट्स हैं, ये यूज़ करना चाहते हो तो भैया कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आपको कोई TWRP की ज़रूरत नहीं है, कोई बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी फाइल यहाँ पर जो है वो मतलब अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ आप अपने फ़ोन में बहुत ईजिली कर सकते हो, क्योंकि ये फ्लैगशिप लेवल के थोड़े डिवाइस हैं। बट यहाँ पर Redmi 12 जो 5G है, ये काफी ज्यादा मिड रेंज डिवाइस है, और इसका जो मतलब यहां पर फीचर्स हैं वो बहुत ही कम देखने को इनमें मिलेंगे। ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर आप ये सारे फ्लैगशिप लेवल के जो फीचर्स हैं वो यहां पर एक्सेस कर सकते हो। ये जो सुपर एनिमल पेट्स है, ये सारे वर्किंग हैं, आप देख सकते हो, ये बहुत जबरदस्त हैं, जिनको आप अपने रेडमी 12 5G के अंदर इंडिया में एक्सेस कर सकते हो MIUI 14 के अंदर। और ये जो सुपर विजिट्स हैं, ये भी सारे वर्किंग है, ऐसा नहीं कि ये वर्किंग नहीं, ये सारे ही वर्किंग हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये सब वर्किंग हैं, और जितने भी जो विजिट्स हैं वो आप एक्सेस करोगे, ये सारे ही यहाँ पर वर्किंग हैं, जिनको आप अपने Redmi 12 5G के अंदर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं आपको सारी ही चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप यहां से देख सकते हैं, ये जितने भी विजिट्स मैं यूज़ कर रहा हूं, ये सुपर हाइपर ओएस के विजिट्स हैं। हालांकि ये इंडिया में मिलेंगे भी नहीं आपको, इंडिया के अपडेट्स तो आएंगे, लेकिन ये जो सुपर एनिमल पेट्स हैं और ये जो सुपर विजिट्स हैं, ये चाइना में ही जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस हैं उनमें मिलते हैं, इंडिया में देखने को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हालाँकि इंडिया में हाइपर ओएस के काफ़ी सारे अपडेट्स भी आ गए हैं, लेकिन ये फीचर अभी भी किसी डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिले, लेकिन आप अपने किसी भी डिवाइस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर मैं लाइव जो है आपको एक्सेस करके दिखाने वाला हूँ Redmi 12 5G के अंदर, क्योंकि ये इस डिवाइस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा वे है जिसमें आपको सारे ही हाइपर ओएस के फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो आप यहां से देख सकते हो, हमने बिल्कुल इसको सिंपल कर दिया है, ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब यहां पर कोई भी ये फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और मैं पहले वर्जन चेक करा देता हूं। आप लोग समझो कि हो सकता है कि हाइपर ओएस इंस्टॉल कर लिया हो। आप देखोगे यहां पर 14.0.7.0 का जो रिसेंटली अपडेट इंडिया में रिलीज़ किया गया था, वही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने इस रेडमी 12 5G के अंदर। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे और कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई बूट लोडर वगैरह भी अनलॉक नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा वे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सिस्टम लॉन्चर का बैकअप चाहिए होगा। तो उसके लिए हम कैसे इसको करेंगे, सेटिंग में हमें जाना है और अबाउट फोन में जाना है। वीडियो को आप बहुत आराम से देखो, सिंपल वे में देखो, एक बार समझ में नहीं आया दोबारा से इसको ट्राई करो, मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा जिससे एग्जैक्टली आपके समझ में एकदम आ जाए और आप ये चीज़ कर सको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर का। तो सिंपली हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये ऊपर फीचर मिल रहा है मोबाइल डिवाइसेस का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके डिवाइस का जो भी लॉक वगैरह है वो आप चेक कर सकते हो, उसको अनलॉक कर लेना। उसके बाद आपको ये वाले फीचर्स मिलेंगे, तो उसमें हो सकता है कि कुछ और फीचर आना तो आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये आएंगे, इसके बाद ये थर्ड पार्टी है, इसको अनटिक कर देना है, और उसके बाद अदर सिस्टम ऐप एंड डाटा वाला फीचर है, इसको भी यहाँ पर हमें अनटिक कर देना है। और उसके बाद हमें सिर्फ इस पर ही क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर खुलेंगे। तो हमें फिर क्या करना है, नीचे चले जाना है, यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर का ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, हमें इस पर सिंपली टैप करके यहाँ पर बैकअप पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये जो बैकअप है वो यहाँ पर हो चुका है। अब उसके बाद हमें फिनिश कर देना है, अब हमें बैक आ जाना है। अब हमें क्या करना है, हमारा इतना काम हो चुका है। अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक सिस्टम लॉन्चर का लिंक दे रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करके आप उसे किसी फोल्डर के अंदर रख लीजिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस फोल्डर मतलब इसको सिस्टम लॉन्चर को यहाँ पर डाउनलोड करके रखा, 226 MB की फाइल है, तो हमने यहाँ पर इसको डाउनलोड करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे MIUI पे जाना है, और यहाँ पर बैकअप है, ऑल बैकअप है, और इसके अंदर चले जाना तो यहाँ पर ये फाइल हमारी मिलेगी। हमें क्या करना, हमें उस फाइल को यहाँ पर कॉपी करके मतलब मूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो डाउनलोड किया है वो फाइल हमें चाहिए, ये वाली फाइल जो है आप देख सकते हो, ये वाला सिस्टम लॉन्चर 226 MB का है, 226 MB का, इसको हमें क्लिक करना है, मतलब इसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। मूव कहाँ करेंगे, तो आप देख सकते हो हमें MIUI पे जाना है, बैकअप पे जाना है, ऑल बैकअप पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे चले जाना, तो यहाँ पर ये वाली फाइल है, यहाँ पर हमें इसको क्या कर देना है, पेस्ट, मतलब हम इसको ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जब यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा, मतलब इसको ये रिप्लेस कर देगा। तो इतना हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बैक आ जाना है। इस तरीके से सेम सारी स्टेप आप देखते रहना, बहुत ईजिली है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा क्या करना है, अब हमें सेटिंग में जाना है फिर से, फिर अबाउट फोन में हमें फिर से जाना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर में चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल एंड डिवाइसेस में जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना लॉक ओपन कर लेना, जो भी आपका लॉक है। फिर से हमें क्या करना, अब इसमें
हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। अब हमें यहाँ पे ऊपर देखो एक बैकअप है, एक रीस्टोर है, तो हमें क्या करना है, हमें रीस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, तो हमें सिंपली जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फाइल रीस्टोर का ऑप्शन नीचे दिखेगा कुछ इस तरीके से, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारी फाइल जो वो रीस्टोर हो जाएगी। मतलब हमने जो वाला लॉन्चर यहाँ पर पेस्ट किया था वो अब यहाँ पर इसको रीस्टोर कर देगा। अब हमारा सिर्फ काम हो चुका, अब हमें क्या करना है, हमें बैक आ जाना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर एक मैजिक देख सकते हो, यहाँ पर एक मैजिक हो चुका है और यहाँ पर ये सारे ही विजिट्स और सुपर एनिमल पेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो मैं इनको मूव करके दिखाता हूँ। ये मूवेबल भी हैं अपने हिसाब से, आप जिसको जहाँ चाहो वहाँ सेट कर सकते हो। एक अलग ही यहाँ पर हाइपरवेस वाला जो लुक है MIUI 14 के अंदर आपके रेडमी 12 5G के अंदर मिलेगा। और ये देखो कितना ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़्यादा HD वे है। और यहाँ पर ये सारे ही जो सुपर एनिमल पेट्स हैं ये वर्किंग है। यहाँ पर डायनमिक जो आपको क्लॉक मिलती है वो भी मिल जाती है, जिसमें आप देखोगे काफ़ी सारे नए मिल जाएंगे जो कि सारे ही हाइपरवेस के हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर ये जो सिस्टम जो विजिट्स हैं ये हाइपरवेस के सुपर सिस्टम विजिट हैं, ये भी सारे वर्किंग है। अभी आप देखोगे यहाँ पर बैटरी हेल्थ वगैरह जो है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको डेटा का भी फीचर मिल जाता है कि आपके फ़ोन में कितना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है फ़ोन का डेटा भी एक्सेस कर सकते हो, हालांकि इसमें कोई अभी सिम कार्ड नहीं, क्योंकि रिसेंटली इसको मैंने अभी जल्दी में ही परचेज़ किया है, तो सिम नहीं है इसमें, वाईफाई कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, वेदर वगैरह है, मतलब जितने भी यहाँ पर विजिट्स। और ये वाला जो विजिट है वो मल्टीपल टास्किंग में काम करता है। तो इस एक विजिट के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। बैटरी फीचर मिलेगा, एनर्जी फीचर मिलेगा, और आप जो है वो रनिंग वगैरह करते हो तो एनर्जी का भी फीचर मिलेगा। तो इस एक विजिट के अंदर मल्टीपल विजिट्स मिलते हैं। तो ये जो फीचर है वो सारे ही वर्किंग है और आप अपने Redmi 12 5G के अंदर इनको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कमेंट या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये हाइपरवेस का जो लुक है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, बहुत अच्छा स्टाइल है, बहुत अच्छा वे है, और आप आराम से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो नॉर्मल में जाना है, तो नॉर्मल में जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पर होम स्क्रीन में जाना है तो क्लासिक पे सेलेक्ट कर दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी आप देखोगे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, देख सकते हो आराम से ये नॉर्मल हो चुका है। और फिर से अगर इसको एक्टिवेट करना है तो डायरेक्टली फिर से होम स्क्रीन में जाएंगे, और यहाँ पर आप जो है इस वाले होम स्क्रीन में चले जाइए। उसके बाद एप्स वॉल्ट में अगर कर दोगे विद ऐप ड्रॉ अगर कर दोगे तो ये फिर से आ जाएंगे। मतलब परमानेंटली ये चीज़ अब रहने वाली है, जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लुक आपके रेडमी 12 5G के अंदर यहाँ पर देती है। तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगे और आप अपने फ़ोन में इसको एक्सेस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।